program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. लाइव आर के इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब, और हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, हर सेक्टर को डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो सके कि तमाम तर सेक्टर्स में क्या अपडेट्स आ रही हैं, और खुसूसन बजट से रिलेटेड डेली बेसिस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, कौन से सेक्टर को इंसेंटिव देने की बात की जा रही है और कौन से सेक्टर पे बोझ डालने की बात की जा रही है पार्ट ऑफ द जोक. बहरहाल तमाम सेक्टर्स को जो है जो वैल्यूएबल रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द बजट और रिसोर्सेज के थ्रू जो अपडेट हम तक मौसूल हो रही हैं, बिकॉज इलेक्शन ईयर है तो बजट को खासा जो है फ्रेंडली बनाया जाएगा फॉर द फेवर ऑफ नेशन. नाउ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको डिस्कस करते हैं और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसको भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो हकीकत होती हैं, रूमर्स पे हम बात नहीं करते. बहरहाल बहुत सारी अपडेट्स आपको देनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेल टैक्स ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है खाद के हवाले से. जो खाद होती है उससे जो काश्तकारी की जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ, इस पर भी कुछ इंसेंटिव देने की बात की गई है. हमने स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी प्रपोजल देने की कोशिश की गई है, इवन के जो मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज की, कि उन्होंने सरकार को ये रिक्वेस्ट की है कि जो बोनस पे टैक्स है उस पर उसको ख़त्म किया जाए, ना सिर्फ उसके नंबर्स को कम किया जाए बल्कि उस पर जो टैक्स आपने डाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड कैश बोनस उस पर प्लीज़ आप उसको ख़त्म किया जाए. ये प्रपोजल है, और ख़ासकर लिस्टिंग के हवाले से भी बात की जा रही है कि नंबर ऑफ़ लिस्टिंग सामने आनी चाहिए. कल की बात करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ की बात करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज ने कल हिस्टोरिकल डे रकम किया है, और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि 52,387 पर मार्केट बंद हुई है, और तारीख की बुलंद तरीन सतह जिसको कहा जाता है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे कबल ये लेवल कभी नहीं आया. 52,700 अबव, इट्स अनबिलीवेबल, और ये इतना ज़्यादा लेवल था कि वी कांट इमेजिन कि ये पाकिस्तान की मार्केट में इस तरह का लेवल आ गया है. स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि 100 इंडेक्स की ये कैलकुलेशन है, 636 पर इसने पॉइंट्स रजिस्टर किए हैं, इस पर बंद हुई है मार्केट, और अब से कुछ देर बाद देखना ये होगा कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए मार्केट मनफी ओपन होती है कि या मुस्बत ओपन होती है. बहरहाल ये देखना होगा कुछ देर के बाद. 30 इंडेक्स की सूरत हाल कुछ इस तरह से रही कि 27,930 पर ये इंडेक्स जो है बंद हुआ, और 401.21 इसका पॉइंट्स हमने देखे कैलकुलेट होते हुए. ऑल शेयर इंडेक्स की बात रखें सामने तो 35,740 पर ऑल शेयर इंडेक्स बंद हुआ है, और 384 पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव हैं ये रिकॉर्ड हुए हैं. इसके बाद बात करते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स की. टॉप वॉल्यूम लीडर्स ने गुज़िश्ता रोज़ जो जगह बनाई वो एंग्रो पॉलीमर ने बनाई है. 35.90 मिलियन शेयर्स के हवाले से एंग्रो पॉलीमर में काम हुआ है. दोस्त स्टील ने 19.53 मिलियन शेयर्स के हवाले से जगह बनाई है. बैंक ऑफ पंजाब 12.03 मिलियन शेयर्स के हवाले से रहा. के इलेक्ट्रिक 10.09 मिलियन शेयर्स के हवाले से रहा, और एसगार्ड 9 का जो स्टॉक है उसमें 9.77 मिलियन शेयर्स के हवाले से काम हुआ. टॉप गेनर्स की बात अगर आपके सामने रखें तो टॉप गेनर्स में पाक टुबा को लीड किया गया है गुज़िश्ता रोज़, और 49 रुपीज़ का उसके स्टॉक में इजाफा हुआ है. नेशनल रिफाइनरी में 31 रुपीज़ का इजाफा हुआ है. शील कॉरपोरेशन में रुपीज़ 26 का इजाफा हुआ है. हिनो पाक मोटर्स के स्टॉक में रुपीज़ 24 का इजाफा हुआ है. पाक ऑयल फील्ड्स में रुपीज़ 23 का इजाफा हुआ. ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑल दो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने कल अपने आप को लीड किया अपनी प्राइस वैल्यूएशन के हवाले से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप लूजर्स. टॉप लूजर्स में यूनिलीवर फूड के स्टॉक में घाटा हुआ है, कमी हुई है, खसारा हुआ है, लॉस हुआ है रुपीज़ 250 का. विद पार्क में लॉस देखा गया रुपीज़ 41 का. एटलास बैटरी में रुपीज़ 16, गंदारा इंडस्ट्री में रुपीज़ 14 एंड इंडस मोटर कंपनी में रुपीज़ 13 का. ये वो स्टॉक्स हैं जिनके जो शेयर प्राइस है वो डी वैल्यू हुई है रिगार्डिंग फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस. अब बात करते हैं कंपनीज की. गुज़िश्ता रोज़ नंबर ऑफ़ कंपनीज जो रिकॉर्ड हुई वो 402 कंपनीज रिकॉर्ड हुई हैं. एडवांस देखा गया 206 कंपनीज में. 180 कंपनीज में डिक्लाइन देखा गया है, और कोई चेंज नहीं देखा गया 16 कंपनीज में जो कि अनचेंज रहीं, न्यूट्रल रहीं, फ्रीज रहीं.
वॉल्यूम की एक बार बात फिर बात करेंगे, जो हमारी कैटेगरी है 100 की 30 की ऑल शेयर इंडेक्स के, उनके वॉल्यूम्स आपको अपडेट कर दें। उनके वॉल्यूम्स रहे 78.37 मिलियन शेयर्स के हवाले से, 147.88 मिलियन शेयर्स के हवाले से, और ऑल शेयर्स जो है 352.80 मिलियन शेयर्स के हवाले से। इसको रैप अप करके अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की जो अपर कैप और लोअर कैप के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है रिकॉर्ड हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपर कैप कंपनीज़ की। तो अपर कैप लगा है फ्लाइंग समिट में, जो रेट है वो 1 रुपीज़ का देखा गया है, 1 का देखा गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर। सेफ मिक्स काउंट में हमने 1 देखा, वाह नोबिल है 11 का रेट उसमें रहा और सबसे ज़्यादा रहा जो तमाम तर कंपनीज हैं अपर लॉक की। हबीब मेट्रोपोल में भी आपने 1 का रेट देखा एंड एडस पाकिस्तान जो है 3.13 से वैल्यूएबल रहा। ये वो अपर कैप कंपनीज हैं जो गुज़िश्ता रोज़ जिन पर अपर कैप लगा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोअर कैप कंपनीज। लोअर कैप कंपनी में अल अब्बास शुगर रहा, अल आबिद सिल्क मिल्स रहा, फैसल स्पिनिंग रहा और क्रिस्टन कॉटन रहा। तो ये वो कंपनीज हैं जिन पे अपर लोअर कैप लगा है। सेक्टर्स वाइज भी आपको अपडेट कर देते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो सेक्टर्स वाइज मामलात रहे वो किन सेक्टर्स के रहे। कमर्शियल बैंक ने एक बार फिर ख़ुद को लीड किया और कमर्शियल बैंक अगर पिछले हफ्ते देखा जाए तो मुसलसल कमर्शियल बैंक ने अपने आप को टॉप सेक्टर्स में लीड किया है, बेहतर टर्नओवर दिया है। और आप देख सकते हैं जब जब आपकी मार्केट ने 700 से ज़्यादा पॉइंट्स देके गए हैं, दो सेक्टर्स का रोल बहुत रहा है, एक आपका सीमेंट, एक केमिकल और कमर्शियल बैंक। तो गुज़िश्ता रोज़ कमर्शियल बैंक, फिर सीमेंट बैंक जो कि मैं केमिकल जो कि मैंने आपको बता दिया था, इंजीनियरिंग सेक्टर्स का भी रोल बड़ा टर्नओवर देखा जाता है इसमें भी, और टेक्सटाइल कंपोजिट चूँकि हमें नज़र आ रहा है गुज़िश्ता एक माह से तो उसके पीछे भी एक वजह है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था कि इंसेंटिव देने की कुछ आउटकम्स आपको टेक्सटाइल कंपोजिट में नजर आ रहे हैं, दैट्स अ रियली अप्रिशिएटेबल अबाउट द टेक्सटाइल कंपोजिट। उसके बाद फिफ्थ वन पर हमारे पास है सीमेंट सेक्टर। तो आज देखना होगा कि आज मार्केट किस तरह से ड्राइव होती है, किस तरीके से मार्केट की कारकर्दगी रहती है। आज पूरा दिन परफॉर्मेंस मार्केट की यही सेक्टर्स दोबारा रोल प्ले करेंगे या इनमें फ्लक्चुएशन होगी या फिर कुछ नए सेक्टर्स जो कि नए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एनवायरमेंट और आपके सिस्टम में वो एग्जिस्ट करेंगे। तो देखना होगा कि क्या सूरत हाल रहती है, प्लस कौन सी खबरें स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट करेंगी और कौन सी खबरें आपकी कंपनीज को सपोर्ट करेंगी। यस ऑफ कोर्स MSCI जो कि सपोर्ट कर रही है गुज़िश्ता एक साल से आपकी स्टॉक मार्केट को और स्टिल वो आपको सपोर्ट कर रही है, यहां तक कि गुज़िश्ता रोज जो मीटिंग हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड MSCI इमर्जिंग मार्केट, उसका जो लाइअमल होगा, जो प्रोसेस होगा, तरीकेकार होगा, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से करनी होगी, कौन सी कंपनीज खास तौर पर जो MSCI का हिस्सा बनेंगी, जिनको मोस्ट वैल्यूएबल रखा जाएगा, जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिन पर ज़्यादा ट्रेडिंग की जाएगी, कौन से स्टॉक्स ब्लू चिप्स में रिटेन करेंगे, कौन से स्टॉक्स ट्रेडिंग में रहेंगे, प्रोडक्ट्स कितनी अवेलेबल रहेगी, वॉल्यूम्स की टर्म्स से बात की जाए और लिस्टिंग कौन सी मुतवक्के है MSCI से कबल और MSCI के बाद। ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करेंगे, आज भी कोशिश करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई है उससे मुतालिक आपको दूसरे सेशन में अपडेट कर सकें। और साथ साथ ये बात वाजह हो गई है कि आपकी स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर करते हुए बहुत स्मार्टली आगे बढ़ रही है। मार्केट ने जितना करेक्शन ऑब्जर्व करना था, इन माई ओपिनियन, इन द ओपिनियन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट ऑफ अदर्स बिजनेस एनालिस्ट, दे राउट अप, दे सेट अप कि अब मार्केट जो है एक बूम अप देगी, एक बुलिशनेस का ट्रेंड को बीट अप करते हुए आगे बढ़ेगी और अब बहुत कम चांसेस है कि शायद मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन ले, लेकिन करेक्शन इन टर्म्स ऑफ माइनर से पॉइंट्स देख सकती है। लेकिन जो एक अनसर्टेन सिचुएशन थी कंट्री के में, जो इवॉल्व कर रही थी आपके सराउंडिंग में, वो घट चुकी है। मैं बात करूंगा बिल्कुल पैनामा की, मैं बात करूंगा पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन की, चूंकि इलेक्शन ईयर है। बारहा इस बात को मैं आपके सामने वाजे करता हूं कि इस तरह का माहौल अब बनेगा और ना सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुनिया भर में जब इलेक्शन आते हैं तो जो स्टॉक्स मार्केट्स हैं वो थोड़ी सी जो है श्रिंक हो जाती हैं। मार्केट ओपन हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ की तरह अगर आपने देखा कि 203 पॉइंट्स के साथ ओपन हुई थी तो आज मार्केट ने डबल वॉल्यूम, डबल नंबर दिया है,
दैट इज़ 433, यानी कि आपकी मार्केट 433 पॉजिटिव पॉइंट के साथ ओपन हुई है। अब देखना ये होगा कि मज़ीद कंसिस्टेंसी कितनी बरकरार रहती है। आज एक और दिन तो हम रकम नहीं कर लेंगे 53,000 के हवाले से। तो लेट्स सी, लेट्स टेक अ ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, इतनी मार्केट आपकी बुलंदियों पर आ चुकी है, इसके पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, उन पर बात की जाएगी। और कुछ मैंने आपको बता दिया था और कुछ मैं जानूंगा, इसीलिए हमें ज्वाइन किया है अली नासिर हैं, एनालिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, इकोनॉमिक्स भी हैं, और बेहतर तरीके से मार्केट को डिस्कवर करते आ रहे हैं और बताएँगे। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपको भी सुबह बखैर। बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। बस आपने सही कहा, मार्केट जो है वो बुलंदियों को छू रही है। आपने किस पहलू से मार्केट को देखा है, किस एंगल से? बस ये कि ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, कहीं ऐसे ना हो ऊपर ही चली जाए। माजर सॉरी, मतलब एक हद तक, मतलब ये कि इसको जाना चाहिए ताकि सरमायाकारों के जो मुफादात हैं उनका तहफ़ रहे। पर ठीक है, अभी मार्केट प्रिवेल करेगी। बस मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। क्या वो इशू? ये इंटरनेशनल मार्केट्स अब प्रेशर में आ सकती हैं। वजह उसकी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कल एक बहुत बड़े अखबार के रिपोर्टर ने, या पता नहीं वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि उन्होंने रूस को कुछ मवाद दिया है। आज सबसे ज़्यादा बाजगश्त में ये खबर है। इससे क्या है कि इस तरह भी हो सकता है कि जैसे वाटर गेट हुआ था प्रेसिडेंट निक्सन के, पहले तो एफबीआई के डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने काम किया है, अब वो न्यूज़ रिपोर्टर पे आ गया मामला। बात असल में संजीदा नोयत की इसलिए बन गई है क्योंकि अमेरिका के अंदर, जैसे पाकिस्तान की हिंदुस्तान से थोड़ी मतलब यह कि जो हमारी छेड़ है वो इंडिया है, हमारी इतनी नहीं है जितनी इंडिया की छेड़ हमारी तरफ है। सच जो बात है, हकीकत बात। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये है कि रिपोर्टर और एंकर और ये, मतलब ये कि ये तो बिल्कुल ठंडे हैं, सच में आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें तो इंडिया की पूरा वक्त फिल्में देखते रहते हैं, आपको बताया। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन देखें ना, वीना मलिक जो है वो अगर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हो, जो बिग बॉस में भी हमारी नुमाइंदगी कर कर आई है, तो खैर अब छोड़े सर, वीना मलिक कर रही है करे, कोई मसला नहीं। वो तो आमिर भाई भी कर रहे हैं, बुराई क्या है। तो बात ये कि नहीं तो हम क्या यहाँ चने छोले की रेडी लगाने के लिए आए हैं? हम नौजवान लोग जो हैं वो मुल्क का तहफ़ नहीं कर सकते, मुल्क की एजेंसियों, मुल्क की फ़ौज के लिए नुमाइंदगी नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं, इन लोगों की क्या ज़रूरत है? देखें सर, फिर तो हमें उन इलाकों में भी फिर हमें जाना पड़ेगा, माजरत के साथ, फिर उन इलाकों में भी जाकर हम कुछ नचाइए गवाइये ले आते हैं। आपको ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा व्यूवर है, जो तमाम तर लोग हैं, वो तमाम देख रहे हैं एक दूसरे की पोजिशनिंग और उसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं। हमें गाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि वीना मलिक क्या है, उनको पता है अली नासिर क्या है, उनको पता है दूसरे एंकर क्या है। सर छोड़ें, अब फिर मुझे स्टॉक पे आने दें प्लीज, आप फिर मुझे पकड़ लेंगे। मैं बताता हूँ, असल में बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो है ना, उनकी छेड़ है रशिया, वो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अगर प्रेशर आ गया और वो इस हद तक पारा चढ़ गया, जो कि चढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका के अंदर भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट भी है, एक ग्लोबल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी है। अगर ये तीनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की कोशिश करते, देखिए एक तो इसने मीडिया से पंगा लिया, ठीक है, मीडिया से पंगा लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सारी मीडिया खराब है, ये है वो है, चाइना की करेंसी को आर्टिफिशियल कह दिया, बहुत सारी चीजें हैं ना चाइना के बारे में जो जो बोला, हमें आई लव यू बोला, और हमें जो आई लव यू बोल दे हम जमीन पे लेट के लौटना शुरू कर देते हैं। क्लियर वाजे इशारा नहीं दिया गया उस पे भी। हम ये सिर्फ आई लव यू कहने की देर है, दिल में आपके कुछ भी अली भाई, हम ये आइडेंटिफाई करते रहे कि एम्बेसी के जरिए उन ममालिक में जिन पे वीजा पे पाबंदी लगाई गई है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का तो नाम नहीं है, प्लस उनके जो वहाँ के लोग हैं, व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं, वो ये कहते हैं अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान डू मोर, यहाँ से हमारे एजेंसीज के लोग, तमाम तर हमारे प्रेजेंट करने वाले वो लिस्ट जारी करते हैं, जी हम सफाया कर रहे हैं, देखें हमने इतने मार गिराए। मेरा एक उसूल है जी, मैं आपको भी बताता हूँ, मीडिया पर इतनी उल्टी सीधी बातें करके कैसे चल जाता हूँ। मैं ट्रिपल एम के मुतालिक कोई बात नहीं करता, मिलिट्री, मुल्ला और मुतैदा, इनके मुतालिक कोई बात नहीं करता, क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया, आपने सवाल ऐसे किया, आपने सवाल ऐसा किया, का मुझे बता दें, एम एस सी आई का जनाबे वाला सिलसिला ये है कि वो अब तकरीबन लगभग मान गए, और जब मान जाए कोई तो फिर उसके बाद अब हमारा सिस्टम जो है वो शुरू होगा। कुछ लोगों का कहना यह कि ट्रैकर फंड्स जो हैं वो फॉलो करेंगे,
और हम चूंकि इमर्जिंग मार्केट यानी उभरती, हाँ, ट्रैकर फंड्स कौन से? बुनियादी तौर पर ये क्या करते हैं कि MSCI जिस कैटेगरी में हमें डाल देती है उतना हिस्सा हमारे खाते में डाल देते हैं सरमाया। ठीक है, पहले हम थे फ्रंटियर, फ्रंटियर के माने पता है क्या होता है? मुजाफाती इलाके। ठीक है, मुजाफाती इलाके। अब इमर्जिंग में हम चले जाएंगे, अब हम इमर्जिंग यानी उभरती मार्केट में आ जाएंगे, थोड़ा पुल के इस पार आ रहे हैं। आप अगर कराची के पसे मंदर में पुल के इस पार उस पार, लेकिन उस पार वाले क्लास का डिफरेंस हमने नहीं बनाया सर, ये क्लास का डिफरेंस तो बस क्या कहें, जमाने ने बनाया है, कुदरत की वजह से है, लेकिन कुछ हमारी सोच है। लेकिन अब बात ये कि अब हम उभरती मार्केटों में आ रहे हैं, लेकिन आपको एक और वजह की बात करूं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्टॉक ब्रोकर जिस आदमी का भंगड़ा डालते हैं उस आदमी का नाम है मार्क मोर्बियस, डॉक्टर मार्क मोर्बियस। ठीक है, उसका हर ब्रोकर जो है वो और किसी को नहीं जानता, पूरे पाकिस्तान में इनको लगता है और पूरी दुनिया में इनको लगता है डॉक्टर मार्क मोर्बियस और जॉर्ज सोरोस के अलावा कोई इन्वेस्टर नहीं है। वॉरेन बूफे जो है बेसिकली वो चने छोड़े की रेडी लगाता है, नहीं, इनका मैं आपको विजन बता रहा हूँ ना, इतना सा विजन है ना हमारे ब्रोकरों का, हमारे स्टेक होल्डर्स का, इतना सा विजन है। इनको लगता है सारी दुनिया डार्क डॉक्टर मार्क मोर्बियस और जॉर्ज सोरोस है। कुछ का सर, सबका नहीं सर, आप कह रहे हैं तो मान जाता हूँ, नहीं ये हकीकत वाल बता सर, इनको आज तक पता ही नहीं लगा कि पेरिस वाले ने इनकी मार्केट खरीद ली, इनका क्या विजन है? सबको सब पता है सर, सब सर इनको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी इनको नहीं पता, सब अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, सब ने जो पैसा लगाया है अपने रिटर्न्स के लिए लगाया है। सबका अब आपने नाम लिया तो मैं सबके साथ साथ आपको एक बता दूं, इनमें एक है बड़ा होशियार और श्याणा, मैं आपको सीधी बात करूंगा, एक इनमें बड़ा होशियार और श्याणा है और मैं आपको बता रहा हूँ वो टीवी पे नहीं आता। कौन, नाम बताएं? नहीं ऐसे 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 देखो, बिग फाइव है, बिग फाइव, देखो मैं इशारों में बताऊंगा, थोड़ा सा कसौटी खेलो हमारे साथ, बिग फाइव है, इनमें एक है वो आता है टीवी पर शोर मचाता है, मेरे साथ ये लूट लिया, मेरे को इसने खा लिया, मेरे को ये कर दिया, मेरा ये ले लिया, समझ गए ना आप, नाम बताने की जरूरत नहीं, समझ गया, बहुत जज्बाती, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ मेरे शेयर होल्डर के साथ धोखा हो गया। आपने तो मिमिक्री कर दी, बता दिया ना सर, बता दिया खुल के, किसी के बारे में बात नहीं, सही बात है। दूसरे थोड़े संजीदा हैं लेकिन टीवी पर जरूर आते हैं, मैं सीधी बात करूंगा, दूसरे थोड़े संजीदा हैं टीवी पर जरूर आते हैं, चौथे को आपने जख्मी कर दिया, पांचवा आंखों से उजल, अब बच गया एक जिसका ताल्लुक एक मखसूस टीवी चैनल से जो बार बार खुशखबरियां सुनाता है नून लीग की हुकूमत की। ठीक है सर, अब आप समझ गए, सही है। अब वो जो शख्स है जो टीवी पर नहीं आता वो होशियार है, उसके बारे में खबर ये है मुमकिन तौर पर कि वो पेरिस के साथ सबसे पहले रابطे में आएगा, ये जज्बाती हैं, इनको नहीं पता, या तो वो रابطे में आ चुका है। देखा सर, शिकार किस तरह से होता है, आप, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप छेड़ता हूँ कि आप नैनीताल से हैं, नैनीताल में शिकार कैसे होता है, जिमी आप, मैं बताऊंगा, एक बहुत मशहूर शिकारी थे, उस शेर का शिकार करते थे, अच्छा। जिम कॉर्बेट उनका नाम था, जिम कॉर्बेट सर। तो बुनियादी तौर पे जब आप निकलते हैं, ये शेर का शिकार वाली मिसाल छोड़ दें, बुनियादी तौर पर क्या है कि अब वो मिलकर हो सकता है इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, बाकी तीन या चार ब्रोकर फंस जाएंगे, अब हो सकता है कोई नाराज हो जाए, मेरी बात से नाराज ना हो, जज्बाती ना हो, बात सीधी साधी ये कि सर सरमायाकार का सरमाया जो है वो महफूज रहना चाहिए, बिल्कुल हकीकत बात यही है सर, छोटे सरमायाकार का सरमाया महफूज रहना चाहिए, इनकी पांच की आपस में क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये तो कस्में खा के कह देंगे हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, सर कस्में खा के तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मैंने, चले मैं उस तरफ नहीं आना चाहता, फिर वो SECP वाली बात आ जाएगी, फिर कस्में खा के तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन नोटू है ना, नोटू ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये एक ऐसी चीज है, इसने पागल कर रखा पूरी कौम को, और मेन चीज ये है कि पैसे की अट्रैक्शन होती है, लालच जो है बुनियादी तौर पर आजाद मईशत की बुनियाद है, लेकिन जस्ट टू टेल यू, कट द वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब तक आप कलेक्टिव इंटरेस्ट को नहीं देखोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, दूसरी बात सर, पिछले हफ्ते आपसे बात हो रही थी, आधी अधूरी रह गई, सीपेक के मुतालिक, अब ये कह रहे डॉन लीक्स 2 आ गई, ये डॉन लीक्स कहां से हो गई भाई, ये तो मेरे मुल्क का मुफाद है सीपेक, इसके बारे में अगर डॉन बताए या कोई और बताए इसमें क्या बुराई है? अली भाई माइंड बना कर आया, आपने बोला कि मैं इस बात को इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा, बात मेरी कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ जाएगी। सर देखे ना, बात ये कि अब आपने बात करनी इकोनॉमिक्स पे, पिछले एपिसोड में आपने डिफरेंट बात की थी, इस एपिसोड नहीं, मैं आपसे अभी भी बात करता हूँ। देखे उस टाइम आपने बोला, देखे कल मैंने सारे एंकरों की बात सुनी, क्योंकि हम तो बिजनेस की बात करें, हम नाम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तमाम चैनलों पर, तमाम खास तौर पे वो मोहब्बे हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले भी चैनल हैं बहुत सारे, एक चैनल वो है जिनके सेट के नीचे लोग दब गए, जख्मी हो गए, देखे ना सर, मोहब्बे वतन, हर बंदा अपने आप को मोहब्बे वतन कहता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम सीधी सादी बात करेंगे, सब कल सीपेक के मुतालिक बात कर रहे थे, टोटल इकोनॉमिक बात, क्या
उनमें से कोई भी और नर नहीं था, अकेला मैं ही नर था जो 29 नवंबर से पहले भी कहता था कि सीपेक मुल्क के मुफाद में है तो करो, नहीं है तो मत करो। भाई यही बात कर रहे ना, मैं और आप यही बात कर रहे हैं कि अगर जितना हिस्सा उसका मुल्क के मुफाद में। अब देखें सर, 29 नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जो जद्दा किसी एक ने जाना था सर, याद रखें वो तो देखें, नहीं नहीं सिंपल देखें सर, वो टीवी पे आके कहते थे सीपेक मुल्क का ये वो जो भी है। अब आप देखें डिस्टेंस किया है, मैं एक एक प्रेस रिलीज पढ़ता हूँ उनकी, फरिश्तों की एक एक प्रेस रिलीज पढ़ता हूँ मैं कि क्या चीज़ उनको कबूल होती है और क्या चीज उनको रिजेक्टेड होती है। मैं एक एक लफ्ज पढ़ता हूँ सर, हमें सीपैक से कोई एतराज नहीं है, हम फेवर क्यों में नहीं है? अब उस पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अब टर्म्स एंड कंडीशंस उनको हैं तो फिर हमें भी होनी चाहिए। नहीं, अब आप हमें ये बताइए कि आपने किस टर्म्स एंड कंडीशन पे सीपैक का मुआहदा किया है, आपकी पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या है, कितनी तादाद में आप उनको कौन सा गवादर का हिस्सा देंगे, कितनी इंडस्ट्रीज लगाने की बात की जाएगी, लेबर उनका आएगा हमारा आएगा, बैंक आपने कैसे लगा लिए, रेगुलेशन से स्टेट बैंक से पूछा, कमर्शियल बैंक का यहाँ पर लैकिंग हो जाएगी, आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और एक मार्केट में टफ थ्रेट दे देंगे 10 साल बाद, आपकी इकोनॉमी फिर उन पर डिपेंड कर रही होगी, आप जो सीपैक, आपकी बात मैं कुछ फेवरेबल में कहूंगा लेकिन सर उसका एक्स्ट्रा आप देखें। सर सीधी बात मैं आपसे करता हूं, अगर उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया, उन्होंने कहा हम अपने लेबर लेकर आएंगे, ठीक है सर, ठीक है हम अपनी मैनेजमेंट लेकर आए, तो हमारा हक नहीं बनता हम भी तहफुजात का इजहार करें? भाईजान आप मेरे भी मैनेजमेंट के लोग लो, अभी कह रहे टॉप मैनेजमेंट के अंदर, कल पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट एक चैनल पे बोल रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट तो वो अपनी लाएंगे ना, क्यों लाएंगे साईं? सही बात है, मुल्क मेरा है तो टॉप मैनेजमेंट अपनी क्यों लाएंगे? मेरे मुल्क के अंदर क्या पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान नहीं है जो वो लेकर आएंगे? नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। सर मेरी एक बात सुने, बात यह है कि उसूल कवायद जवाबित तय होते हैं। आप ये पहला मुल्क का दुनिया का पहला मुल्क है आप जो खुद अपने पल्ले से कर्ज लेकर गुलामी करना चाह रहे हैं। अच्छा दो पहलू हैं, कल दोस्त है दोस्त के साथ दोस्ती करके चलो। दो पहलू हैं मैंने सामने ये रखे थे कि सीपैक की जब आपने बात रखी थी तो आपको आईएमएफ को गुड बाय कहना चाहिए था, कर्जा नहीं मांगना, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर कर्जा मांगना है तो आप अपनी पॉलिसी अंदर की खबर तो सुनो जी। वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एम्पायर का किरदार अदा करते हैं वो इस चीज से वाकिफ हैं और वो उस टाइम फौरन उंगली उठा देंगे जिस टाइम मुल्क के मुफादात खतरे में होंगे। मैं पसे पर्दा रख के चीज़ बात कर रहा हूँ, इस मुल्क में जो एम्पायर हैं वो मुल्क के मुफादात को समझ रहे हैं और बुनियादी तौर पर वो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं और वो कतई सीपैक को उस हद तक नहीं जाने देंगे जहाँ हमारी ज़मीनें बिकना शुरू हो जाएं और हमारा एग्रीकल्चरल लैंड वहाँ चला जाए और हमारे बीच पर रिजॉर्ट्स बनना शुरू हो जाएँ और हमारे यहाँ डांस क्लब मसाज पार्लर खुलना शुरू हो जाएँ। नहीं, मैं खुल के बात करूँगा, आप कल का दस्तावेज तो पढ़ो। अब ये कह रहे हैं मुल्क, सर मेरी एक और बात भी सुन लें, एक लीक आप करते हो किसी इदारे को नुकसान पहुंचाते हो तो आपके खिलाफ भी फिर लीक होगी ना कुछ, आप भी जाओगे चीन तो पीछे से आपके खिलाफ भी होगी। अब आप गहरी बात है समझने वाले लोग समझ जाएंगे, इसका नुकसान किसको होगा? इस लीक का नुकसान डायरेक्ट उनको हुआ है जो चाइना गए हुए हैं। साहब आप पत्थर किसी के घर फेंकोगे, डिफरेंट स्टोरी सर, सर आप पत्थर किसी के घर फेंकोगे वो बात ठीक है आपकी। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि अब जो हम बैंकिंग की बात, ट्रिपल एम का असूल ना तोड़ते हुए आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और बात भी आपसे कर दूं, गुजारिश आपसे, स्टॉक से ये रिलेटेड जरूर है, स्टेटस को लोग वॉच कर रहे हैं कि मुल्क का स्टेटस को चेंज होगा तो स्टॉक पे असरात मुरतब होंगे। किस तरह का? पॉलिटिकल स्टेटस को, ठीक है, स्टॉक पे असर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब बात यह है कि सर इस चीज को मत भूलें, ये आखिरी बजट है, इस बजट के बाद इलेक्शन की तैयारी, अगस्त के बाद है ना, ईद के बाद, वक्त कम सर, वक्त मुख्तसर, दूसरी तरफ जलसों के अंदर जनाब डांस वलवला जोश, ये सब चीजें लोगों की ओरिएंटेशन और तबीयत को चेंज कर सकती हैं। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मुकमुका हुआ था इमरान खान साहब का, धरने से उठे थे जी, ठीक है ना सर जी, जो भी बात है मैं, ठीक है ये निकाह हुआ था, एक बात है जो भी बुरा माने, जो भी बात है, जो बात है वो सर पॉलिटिकल, वलीमा पहले हो गया था निकाह बाद में हुआ, मैं नहीं कह रहा तारीखों में झगड़े इन लोगों ने खुद डाले, मेरी मैं इधर सर सियासी बात नहीं कर रहा, बुनियादी तौर पे बात क्या, उससे पहले आप उठाएं शेख रशीद के बयानात पाक चीन दोस्ती के मुतालिक क्या थे, चाइना कमीशन देता है, तुर्की कमीशन देता है, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत नून लीग की हुकूमत उनके साथ डीलिंग कर रही है। नंबर टू, ठीक है, नून लीग का इल्जाम, धरना इसलिए बिठाया गया ताकि प्रेसिडेंट जी पाकिस्तान ना आ सके, अखबार उठाएं आप देखें सर, पिछले साल सीपैक का सबसे बड़ा दुश्मन पीटीआई, ये सर नून लीग के आप निकाल लें बयान, उनके चैनल्स, उनका स्टेट का चैनल, उनके पेपर्स, ठीक है नेशनल न्यूज़, उसके अलावा आप सियासी जमात के बयान उठा लें, मुल्क का मुस्तकबिल तायुन होता है इन चीजों से, आपकी इकोनॉमी, आपकी
पॉलिटिक्स से चलेगी, आपके स्टॉक मार्केट पर भी इसके असरात होंगे। ये गुब्बारे में जो हवा भरी गई है, गर्म हवा, ये सीपेक वाली हवा भरी गई है, वो आपने देखा होगा ना सर। मैं रियलिटी की बात करूंगा, मार्केट को लोकल्स ये पॉइंट सीपेक के 52 का लेवल ये यहाँ के इंडिविजुअल्स और लोकल्स ने पहुंचाया है। मैंने खुद तमाम चीजों को बड़ी गहरी मॉनिटरिंग की है, चाइनीज का कोई रोल नहीं है, सॉरी टू से सर। तो मैं मान गया आपकी बात, मैं तो खुद बोल रहा हूँ गुब्बारे में सिर्फ हवा भरी है, मैंने कब बोला उसमें चाइनीज भरे हैं? 6 महीने मुसलसल उसमें चाइनीज तो भरे ही नहीं, हुआ हवा भरी खाली, बैक ऑफ हो गई 6 महीने, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट बैक ऑफ हो गई है सर। कुछ लोग चैंबर वाले और इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने आज तक चाइना का विजिट नहीं किया, रात के दौरान अगर आप उनको जगाएं ना तो ख्वाब भी सीपेक का देख रहे होते, इनके पास ऐलान कोई करने के लिए नहीं है, ये इतनी बौसीदा और थर्ड क्लास तकरीरें करते हैं, यकीन करें इनके पास दो जुमले बात करने के लिए नहीं है। इन्होंने मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ाया है 0, आप अभी बात करें चाइना की वजह बढ़ना चाहिए था ना, आपने बोला सीपेक ये वो, सर इन्होंने कहा इम्पोर्ट बढ़ा, अच्छा सुन बोलते कैपिटल गुड बढ़ गए, कौन सी फैक्ट्रियां लगी मुझे बताओ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अभी आने वाला, देखें आप मुझे मौका मिलेगा तो आप और मैं बैठकर अभी बात करेंगे जब आएगा वो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का, ठीक है देख लेंगे कितना कैपिटल गुड आया। और सर ये सारी गर्म हवा दीवाने का ख्वाब आवाम को बेवकूफ बनाने और लॉलीपॉप देने का एक तरीका कोई फायदा नहीं हुआ गुज़िश्ता 6 महीने में इनके आने से। नहीं नहीं हमारी अपनी आबादी है ना, हमारे पास और काम क्या है आबादी बढ़ाने के, हमारे मुल्क के अंदर और कोई काम तो है नहीं, फॉरेस्ट्रेशन है, टीवी लगाओ तो मौत हो गई, वो उसके साथ भाग गया, ये हो गया, आबादी बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई मशगला नहीं है। तो आबादी आपके मुल्क की बढ़ी, ये आपका सबसे बड़ा असासा बन गया, यू विल बिकम 250 मिलियन पीपल, आप मुझे बताओ इतनी बड़ी मार्केट कहाँ मिलेगी? लेकिन चाइना गवादर वादर कोई नहीं आ रहा, चाइना पाकिस्तान में आके माल फेंकेगा। बढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको वैल्यूएबल भी रखना है, एजुकेशन भी देनी है, खूबसूरत बात, ताकि वो जो आगे जाकर निकले तो वो वैल्यूएबल रहे, बोझ ना बने मुल्क पर, बोझ ना बने ये मुल्क के लिए एसेट बने। खूबसूरत बात की आपने, हकीकत बात है, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ये लायबिलिटी है, सही बात है, अगर आप इनको प्रोसेस नहीं करोगे, इनको यूजफुल नहीं बनाओगे, ठीक है, और ये आपके मुल्क का असासा जरूर है, लेकिन जस्ट पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव एंड क्लियर, अगर कोई गलती हो गई हो पहले भी मैं कहता था तो मुझे रोहिल साहब आप माफ कर दें, हाथ जोड़ के आपके नाजरीन से भी माफी चाहता हूं, और अगर किसी की भी दिल आजारी हुई हो तो मैं जो भी बात करता हूं विदाउट प्रेजुडिस करता हूं, कानून को घर का हूं तो बगैर किसी कानूनी हैसियत के, तो कहीं ऐसे ना हो आजकल कानून के शिकंजे बड़े टाइट हुए हैं, मासूमों को बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसे ना हो कि मैं भी उस शिकंजे में। चलिए सर बहुत बहुत माफी मैंने आपसे मांग ली और आपके नाजरीन से भी, थैंक यू सो मच अली, किसी को भी बुरा लगाओ, किसी की नकल उतारी हो उसको बुरा लगाओ उससे भी माफी। बहुत शुक्रिया, आज आपने देखा कि हमने कुछ पहलुओं को डिस्कस किया, वी हैव टू डिस्कस इन डीपली, बट सीपैक का हरगिज़ से मतलब नहीं है कि वी हैव टू नेगलेक्ट और वी हैव टू क्रिटिसाइज द प्रोजेक्ट, एक्चुअली द टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी द ट्रांसपेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो हमारी नेशन है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए, हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना हो जाए, हमें अपने कंट्री को देखना है, बिकॉज वी आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव टू प्राउड इट। तो इस नोट पर मैं सेगमेंट को एंड करूंगा, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात की जाएगी इंटरनेशनल स्टॉक के हवाले से। लाइव वायर के ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहिए।